नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज। आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं जियो वाईफाई राउटर का पासवर्ड कैसे चेंज करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गया हूँ और हम वाईफाई से कनेक्ट हो जाएंगे। जिस राउटर का हमें पासवर्ड चेंज करना है, जिस वाईफाई राउटर का, उस राउटर से हम हो जाएंगे कनेक्ट। ये जियो का लगा हुआ है कनेक्शन है, जियो फाइबर, और इसमें हम डालेंगे पासवर्ड जो वाईफाई का पासवर्ड पहले से बना है और कनेक्ट कर लेंगे अपने सिस्टम पर। सिस्टम पर हो गया कनेक्ट और हम खोलेंगे ब्राउज़र। कोई भी ब्राउज़र आप ओपन कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल क्रोम। मैं गूगल क्रोम ओपन कर रहा हूँ। और जो राउटर की आईपी चल रही है जिस सीरीज में, उसी सीरीज की आईपी आपको डाल के लॉगिन करना पड़ेगा। मैंने लॉगिन कर लिया है और यूजर नेम डालूँगा, पासवर्ड डालूँगा। उसके बाद लॉगिन हो जाएगा अपना जियो राउटर। क्लोज कर दे रहे हैं। ये कुछ ऐसा आपको व्यू मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है नेटवर्क में। बहुत ही सिंपल है चेंज करने का ऑप्शन। और जाएंगे वायरलेस में। वायरलेस में कुछ ऐसे दिखेगा आपको। और उसके बाद आप जाएंगे प्रोफाइल में। प्रोफाइल में आप जाएंगे तो आप देखेंगे, ये देखिए इनेबल्ड है, SSID इनेबल्ड है। और इस पर हम क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, उसे एडिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जा करके आप पासवर्ड जो चाहें डाल सकते हैं। पहले से पासवर्ड पड़ा हुआ है, मैं अगर दूसरा पासवर्ड डालूँगा, सेव करूँगा, वैसे ही मेरा वाईफाई डिसकनेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आप डाल सकते हैं, सेव कर देंगे। उसके बाद हमें इसका जो मेन यूजर नेम पासवर्ड होता है जिससे हम राउटर को ओपन करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद यूजर में जाएंगे, उसका पासवर्ड हम यहाँ से चेंज कर लेंगे, एडमिन का पासवर्ड। ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट 3 यूजर बने हुए हैं, एक एडमिन है, एक गेस्ट है, एक मेस है। तीनों से हम लॉगिन कर सकते हैं अगर इनेबल्ड है तो। इसको राइट क्लिक करें, एडिट पे जाएंगे। एडिट पे यहाँ पे हम पासवर्ड हटा करके दूसरा पासवर्ड डाल देंगे, कन्फर्म कर देंगे। उसके बाद सेव कर देंगे तो हमारा पासवर्ड चेंज हो जाएगा। जब फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो यही पासवर्ड हमें मांगेगा, तो हमें देना पड़ेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। नमस्कार।